महाराष्ट्र में भीषण सूखा इस वक्त पड़ रहा। हालात इस कदर पहुंच चुके हैं कि अब लोगों के पास सिवा पानी लाने के और कोई काम ही नहीं बचा। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल छोड़कर अब पानी लाने के काम में लगे हुए हैं। देखिए किस तरह देश का भविष्य पानी ढो रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता रमन ममगई की खास रिपोर्ट देखिए आप। क्या नाम बेटा? अक्षय। अक्षय भाई क्या लेके जा रहा है इसमें छुपा के? पानी। कहाँ से लेके आए? से। पानी नहीं आ रहा गाँव में? ना। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ता है? आठवीं। पढ़ने का टाइम मिलता है? पानी लाता रहता है? पानी लाता रहता है। पानी लाता। दिन भर कितने चक्कर लगाते हो? चार पांच लगा लेते हो? तो चला लेते हो बैलगाड़ी? हाँ। आराम से? तो पढ़ाई तो करनी चाहिए यार, पानी कोई और ले आएगा। पानी नहीं बोल रही हूँ। पानी नहीं है? पानी नहीं है। ये छोटा अक्षय है, आठवीं क्लास में पढ़ता है और दिन में 5 से 7 चक्कर पानी के लिए लगाता है और पूरे की पूरी मेहनत दिन भर इसकी रहती है इस गर्मी में। और ये कुछ भविष्य है मराठवाड़े के इलाके के बच्चों का जो कि सिर्फ पानी की तलाश में कुछ ऐसे ही जाया हो रहा है। कैमरामैन मनमीत के साथ तमन्ना भाई, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, औरंगाबाद।